हेलो सेलर्स, क्या आप जानना चाहते हैं एफबी के लिए रजिस्टर कैसे करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे कि एफबी के लिए रजिस्टर कैसे किया जा सकता है। ये एफबी की श्रृंखला में हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताया एफबी करने से क्या फ़ायदे हैं। दूसरी वीडियो में हमने बताया एफबी से जुड़ी कॉस्टिंग के बारे में। आप ये दोनों वीडियो आई आइकन को प्रेस करके देख सकते हैं। आज की वीडियो का सवाल है एफबी के लिए प्रोसीड कैसे करें, कैसे रजिस्टर करें। इस वीडियो को एंड तक देखिए अपने वर्क की प्रो टिप के लिए। मेरा नाम है मोहित जैन और आप देख रहे हैं अपने वर्क का यूट्यूब चैनल। तो आज का सवाल है एफबी के लिए रजिस्टर कैसे करें। देखिए, सबसे पहले रजिस्टर होगा आपके होम स्टेट में, जिसका आपके पास मेन जीएसटी है। अमेजोन पे सामान बेचने के लिए आपको अमेजोन के वेयर हाउसेज जो आपके स्टेट में लोकेटेड है उन्हें एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसे बोलते हैं APOB, उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। समझ लीजिए आप एक दिल्ली के सेलर हैं, तो दिल्ली का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके पास जीएसटी के रूप में पहले से है। अमेजोन के वेयर हाउसेज आप APOB के रूप में रजिस्टर कराएंगे। अब इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। अब इसे करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहला तरीका, आप अमेजोन की मदद ले अमेजोन के पोर्टल पर जाए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। दूसरा, आप अपने CA की मदद ले और उससे रजिस्ट्रेशन कराएं। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अमेजोन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूज कीजिए, वो सबसे आसान और सस्ता तरीका है। जब आप अमेजोन के थ्रू जाएंगे तो आपका APOB 1 से 2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा और आप काबिल होंगे अपना सामान अमेजोन पे भेजने के लिए। सबसे पहले अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट खोलिए, उसमें सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे सेटिंग्स, अकाउंट इन्फो, मैनेज, यहाँ पे देखिएगा मैनेज माई सर्विसेज और सबसे आखिरी में आएगा यू कैन साइन अप फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और इसके बाद ये रजिस्टर दबा दीजिए। ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको लेकर जाएगा। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि किस स्टेट में आपको रजिस्टर करना है, तो जो भी आपका सबसे पहले होम स्टेट है उसको आपको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं दिल्ली। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। ये 4 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं जो दिल्ली में हैं, इनको चारों को क्लिक कर लीजिए। अगर आप फूड आइटम्स वाले फसाई के सेलर्स हैं तो इसको भी क्लिक करना पड़ेगा आपको, हर उस पर फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और कंटिन्यू दबा दीजिए। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स GSTN और GST सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए, और आपकी कंपनी LLP है या कंपोजिशन स्कीम में या प्रोपराइटर है, डिटेल्स भरिए और कंटिन्यू कर दीजिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेप्स हैं सारे, आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको सीधा सीधा दिखता जाएगा। एंड देन अप्लाई थ्रू अमेजोन CA और फीस पे करिए, अमेजोन CA का आपको फ़ोन आ जाएगा और उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जब कुछ दिन, 1 महीना या 2 महीना आपने अपने होम स्टेट में FBA में सामान भेज दिया और वहाँ से ऑपरेट करना आप सीख गए, आपको सेल्स में इंक्रीज दिखेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि होम स्टेट के अलावा और भी कोई स्टेट जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, वहाँ पे एक FBA ओपन करें जिससे और सेल्स में इंप्रूवमेंट हो और डिलीवरी टाइमलेस कम हो। अब उसके लिए आप कैसे करेंगे, कैसे GST का PPOB लेंगे और APOB लेंगे? इसका बहुत ही आसान तरीका अमेजोन ने गो लोकल प्रोग्राम के थ्रू शुरू किया है, जिसमें उसने कुछ लोगों CAs के साथ पार्टिसिपेट किया है, उन्हें अपने पैनल पे लेकर आए हैं और वो लोग आपको एक वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस दे देते हैं, एक एड्रेस। समझ लीजिए आप दिल्ली के सेलर हैं, आपको महाराष्ट्र में अपना GST खोलना है क्योंकि आपकी सेल्स वहाँ से काफ़ी अच्छी आ रही है, आप वहाँ पे सामान स्टॉक करना चाहते हैं। तो अमेजोन के गो लोकल प्रोग्राम में जो भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको कॉल करिए। 8,000 प्लस GST की फीस लगती है और वो आपको एक वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस दे देते हैं, जिसमें आपको रेंट एग्रीमेंट, NOC और जो भी चीज़ें GST लेने के लिए, PPOB लेने के लिए ज़रूरी है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। 1 महीने से 2 महीने में आपका GST आ जाएगा, जिसमें अमेजोन के सारे वेयर हाउसेज उस स्टेट के एज APOB भी ऐड करके आपको मिलेंगे। आपको पता चल गया होगा कि अपने होम स्टेट में FBA कैसे करें और एक एडिशनल स्टेट में जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही है वहाँ पर रजिस्टर कैसे करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको और भी स्टेट्स में पैन इंडिया लेवल पर अपना सामान लेकर जाना है जब आपकी सेल्स और बढ़ गई है, तो एक अमेजोन का प्रोग्राम है अमेजोन क्रॉस स्टॉक, इसको शॉर्ट फॉर्म में IXD बोलते हैं। क्या है ये प्रोग्राम और इसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जानिए हमारे अगले वीडियो में। आइए जानते हैं अपने वर्क की प्रो टिप के बारे में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे डिसाइड करें कि किस लोकेशन पे आपको अपना नेक्स्ट FBA खोलना है। इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, अपनी मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए, उसमें स्टेट वाइज आपको सेल्स देता है अमेजोन,
फिल्टर लगाइए और जानिए कि स्टेट से क्या परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी सेल का। जिस भी स्टेट्स में आपकी सेल 20% से ज़्यादा आ रही है वहाँ जाइए और अपना नया GST लीजिए और EPO भी लगवाइए। प्लीज़ ध्यान रखिए, आज के डेट में नए GST फाइलिंग्स करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अमेज़न एक रेडी GST रिपोर्ट आपको देता है हर महीने के एंड में, जिसको आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं और अपना GST फाइल कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपकी सेल्स की बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। देखते रहिए अपने वर्क के YouTube चैनल। हैप्पी सेलिंग।